अर्जुन कपूर एज विलेन नजर आएंगे, ये सुनकर लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन था, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। क्योंकि भाई अगले की हीरो वाली फिल्में तो चल नहीं रही थी, तो लोगों को लगा कि क्या गुंडा बनेगा रे तू। लेकिन अब जो अर्जुन कपूर का विलेन वाला लुक रिवील हुआ है, उसने तो भाई साहब भैया जी। ऑनेस्टली अर्जुन कपूर का ये लुक काफी ज्यादा खतरनाक तो देखो लग रहा है। और अब जो सिंघम अगेन के पुष्पा 2 के साथ क्लैश को लेकर थोड़ा डर लग रहा था, वो दूर होता जा रहा है, क्योंकि बॉस रोहित शेट्टी ने शायद बहुत कुछ बड़ा प्लान किया हुआ है। वैसे अर्जुन कपूर के इस लुक को आप 10 में से कितना रेट करेंगे, और सिंघम अगेन और पुष्पा 2 कौन किससे आगे रहने वाला है? एनी गेसेस मुझे कमेंट करके बताएं। हाय, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं अनकट। रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन को लेकर बस तो देखो काफी दिनों से बना हुआ है, कभी उसकी कास्ट को लेकर, कभी उसके क्लाइमैक्स को लेकर। लेकिन जब से मेकर्स ने अर्जुन कपूर को एज विलन कंफर्म किया था, तब से लोगों के मन में इस फिल्म को लेकर थोड़े डाउट्स तो आ ही गए थे। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि यार ये रोहित शेट्टी क्या कर रहा है। बट किसको ही पता था कि रोहित शेट्टी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अर्जुन कपूर का लुक काफी ज्यादा सॉलिड है। और दूसरी फोटो जो आई है उसमें फेस ऑफ है रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर का। एंड अभी तक तो रणवीर सिंह एंड अर्जुन कपूर को साथ में फन और मस्ती करते हुए ज्यादा देखा गया है। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में दोनों की फन एंड मस्ती काफी ज्यादा देखी है हमने। 10 साल पहले आई गुंडे में दोनों ने साथ में काम किया, उसमें दोनों दोस्त बने थे, लेकिन अब पहली बार एक दूसरे के अपोजिट नजर आएंगे, आई मीन एज हीरो और विलन। इस लुक रिवील की वजह से अब पब्लिक में हाइप तो देखो बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि सिर्फ इन दो फोटोज ने काफी लोगों के मन में चल रहे डाउट्स को क्लियर तो कर दिया है। एंड होपिंग कि इतने टाइम से जो अर्जुन कपूर की फिल्में चल नहीं रही थी, अब इस फिल्म से शायद उनके करियर को एक अलग ग्राफ मिल जाए। क्योंकि भैया बैक टू बैक काफी सारी फ्लॉप्स की वजह से पब्लिक का भी थोड़ा सा भरोसा उनसे उठने लगा था। एंड ऑल्सो उन्हें जरूरत भी थी एक अच्छे प्रोजेक्ट की, ताकि एक किक मिल सके उनके करियर को। अब रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन से अच्छा और क्या हो सकता है। और वैसे भी इस बार रोहित शेट्टी ने अपने कॉप यूनिवर्स को और बड़ा किया है। सिंघम अगेन में आपको नजर आएंगे अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, करीना कपूर, अर्जुन कपूर एंड दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ को भी कॉप यूनिवर्स में एड किया गया है। फिल्म की कास्ट अच्छी खासी बड़ी है, और सुना तो ये भी है कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट करने में अच्छा खासा खर्चा किया है रोहित शेट्टी ने। बस काश ये क्लैश नहीं हो रहा होता तो और ज्यादा मजा आता, क्योंकि मैं तो दोनों ही फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और नहीं चाहती कि किसी भी फिल्म को नुकसान हो, क्योंकि क्लैश से किसका ही भला हुआ है आज तक, नहीं? वैसे आप कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, सिंघम अगेन या फिर पुष्पा 2? मुझे कमेंट करके बताएं। और ये भी कि ये लुक आपको कितना ज्यादा खतरनाक लगा। And yes, do not forget to subscribe our channel. You can also follow me on Instagram. मेरा Instagram handle है WhatsApp Sakshi. Please like and share this video. मैं हूँ साक्षी चौहान और आप देख रहे थे अनकट।